नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जीवन साक्षी .in में। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, आज हमें इन्होंने अपना बायोडाटा भेजा है। इनका नाम भावना रावत है। भावना जी की उम्र 32 साल है। इनकी हाइट 5 फुट 4 इंच है और उन्होंने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है। भावना जी विडो हैं। इनके हस्बैंड एक्सपायर कर गए हैं और इनके हस्बैंड को एक्सपायर किए 5 महीने हुए हैं। रहने वाली उत्तर प्रदेश फतेहपुर से हैं। इनकी एक बच्ची भी है 2 साल की। इनके हस्बैंड एक एक्सीडेंट से एक्सपायर कर गए हैं और ये अभी दूसरे के घरों में खाना बना के अपना गुजारा कर रही हैं। ये बेसहारा हैं और किराए के मकान में भी रह रही हैं। उन्होंने काफ़ी जगह रिश्ते देखे क्योंकि इनकी बच्ची काफ़ी छोटी है और ये भी एक अच्छे परिवार के रिश्ते की तलाश कर रही हैं जो इनका साथ दे, सहारा बन सके, क्योंकि ये काफ़ी परेशान रहती हैं और दूसरों के यहाँ काम करके अपना गुजारा कर रही हैं। ये ऐसे पति की तलाश कर रही हैं, जीवन साथी की, जो इनका साथ दे और इनकी बच्ची को इनके साथ अपनाए, एक पिता का प्यार दे। इसी उम्मीद से इन्होंने हमें इनका बायोडाटा भेजा। इनका कहना था कि भले ही आपके बच्चे वगैरह हैं, पत्नी ख़त्म हो गई है, तलाक हो गया है, तो ये स्वीकार कर लेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सही परिवार के रिश्ते की तलाश है इनको। हिंदू जाति के रिश्ते चलेंगे और वर्गीय उम्र इनको 30 से 38 साल के बीच में चल जाएगी। तो यदि आपको भावना जी का प्रोफाइल पसंद आया है और आप इनकी बच्ची को इनके साथ अपना सकते हैं तो आप इनसे संपर्क करें। और यदि आपको इनका बायोडाटा पसंद नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट jeevansakshi.in पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहां पर आपको इनके जैसे बहुत से प्रोफाइल मिल जाएंगे शादी के लिए। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर आप वेबसाइट पर विज़िट करें। और यदि आप हिंदू जाति से हैं और आप इनकी बच्चों को इनके साथ अपना सकते हैं तो ही आप इनसे संपर्क करें। संपर्क के लिए जो आप स्क्रीन पर कॉन्टेक्ट नंबर देख रहे हैं इस पर आप मिस कॉल करें ताकि हम आपका बायोडाटा इन तक पहुंचा सकें और ये आपसे संपर्क करके आगे की बात बढ़ाएं। अगर आपको भावना जी का प्रोफाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप हमारी यूट्यूब चैनल jeevansakshi.in को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए रिश्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।